हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय प्रीतिश गुड लाइफ में आप लोग का स्वागत हो। और बस यहाँ पे मैं मॉर्निंग टाइम बना रही हूँ सरसों का साग। और मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बोला था आप लोगों को कि मैं आप लोगों को मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाएंगे, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। तो साग को मैंने रात में ही बॉयल कर लिया था, अच्छे से वाश करके कट करके, तो और यहाँ पे बस मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है। सरसों का साग बनाने में बहुत मेहनत लगता है, मतलब मेहनत नहीं लगता उसको काटने में धुलने में, इसमें मेहनत लगता है, बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगता। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, लहसुन अदरक हरी मिर्च को चॉप कर लिया है और मैं जैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छा बनाऊँगी, बहुत स्वादिष्ट बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, तेल को गरम कर लिया है। इसके बाद इसमें हमें डाल देना है तड़का, तो तड़के में मैंने पचफोरन डालना है, तो उसमें मुझे सौंफ और थोड़ा सा मेथी डाल दूँगी। तो तेल मेरा अच्छे से गरम हो गया है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक चम्मच बेसन डाल दूँगी। आप चाहे तो मक्के का आटा भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं बेसन डालूँगी। और इसके बाद बेसन अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम हरी मिर्च अदरक लहसुन चॉप किया हुआ वो डाल देंगे। इसके बाद फिर मैं नमक डाल दूँगी और बस इसको होने देना है मुझे ब्राउन, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसके बाद मैं डाल दूँगी साग, बॉयल साग। तो उसको मैंने रात में ही बॉयल कर लिया था, साग को, सरसों के साग को मैंने बॉयल कर लिया था और बस मुझे अभी इसको ग्राइंड करके डाल देना है। तो ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड किया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने बहुत इजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। और सर्दियों में सरसों का साग मक्के की रोटी मिल जाए तो क्या बात है। तो बस यहाँ पर मैंने एक चुटकी हल्दी डाल दिया है, एक चुटकी गरम मसाला डाल दिया है बस, और मैंने कुछ नहीं डाला है। तो मैंने सिंपल तरीके से बनाया है, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल बनने वाला और बहुत बढ़िया बना था। यहाँ तक कि बड़े तो क्या बच्चे भी खा लिए थे, मतलब खा लेते हैं मन से। तो ये देखिए बनकर रेडी हो गया है। मैंने इसको जो है 5 से 10 मिनट तक पका दिया है अच्छे से। इसके बाद मैं एक टुकड़ा इसमें मक्खन डाल दूँगी, आप घी भी डाल सकते हो, मक्खन है तो और अच्छा रहेगा। मक्खन मैंने थोड़ा सा ही डाला था क्योंकि मेरे यहाँ ऑलिव चीज़ थोड़ा कम खाया जाता है। तो बस यहाँ पर साग मेरी बनकर रेडी हो गई है और ये जो है जा रहे हैं ऑफिस, तैयार हो रहे हैं। सुबह सुबह ग्रूफर वाले भैया भी आ गए हैं सामान लेकर। तो मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, ओट्स ख़त्म हो गए थे, तेल ख़त्म हो गए थे, बहुत सामान थोड़ा बहुत वो मंगाना था। बाकी मैंने आंवला और हरा लहसुन ये सब मैंने मंगाया था ग्रूफर से। और यहाँ पर ये देखिए बच्चे उठ गए हैं, ये जा रहे हैं ऑफिस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो ये गए ऑफिस और तो अभी मैं थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगी क्योंकि काम के चक्कर में ना फिर बच्चों को हम बैठा नहीं पाते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज पहले पढ़ा लूँ बच्चों को क्योंकि एग्जाम से शुरू हो गए। कब है एग्जाम? शिक्षा 1 तारीख को, 1 तारीख को एग्ज़ाम लोगों का स्टार्ट हो गया है, लड्डू का भी स्टार्ट हो गया ना, लड्डू बोलो। तो इस बार पेपर देने जो है स्कूल जाना पड़ेगा, अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं और स्कूल जाना पड़ेगा। सही है, बच्चों को स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। तो और चलिए पढ़िए, चलो लॉयन। What's on the tree? I can. बेटा ये नेम भी पढ़ो ना, प्रिया राजा, ये सब नहीं है तो प्रिया राजा।
तो जब तक बच्चों के क्लास नहीं चल रहे थे तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था, क्योंकि 8 बजे के बाद जो है बच्चों के क्लास स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा लोगों को पढ़ा दिया, क्योंकि 1 तारीख को इन लोग का एग्ज़ाम शुरू है, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अभी गाँव में गए थे तो बहुत खेले हैं, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए हैं। और जब तक बच्चों का क्लास चल रहा है तो मैं यहाँ पर अपना साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और ये मैंने दूसरा डंडा मंगाया है पोछे का, क्योंकि मेरा पहला वाला जो डंडा था वो ख़राब हो गया था, पता नहीं कैसे जो है उसमें जंग लग गए थे, और ये मैंने दूसरा न्यू मंगाया है। और तो मैं देखती हूँ पोछा इससे लग पाता है कि नहीं, बाल्टी तो मेरी सही थी पोछे वाली, बस इसका डंडा ही थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो बस बच्चे कर रहे हैं क्लास और मैं कर लेती हूँ पोछा। और मेरा बेड देख रहे होंगे आप लोग कितना भरा हुआ है, क्योंकि सुबह सारे कपड़े मैंने छत से लाए हैं, ये सारे फोल्ड करके रखने हैं, क्योंकि रात कल का ही कपड़े सारे मैंने डाले थे तो अच्छे से सूखे नहीं थे, तो मैं सुबह गई थी धूप लेने, तो वही सारे कपड़े लाकर रखी हूँ। तो अभी मेरा नहाना धोना बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अब तो बस मैं जल्दी जल्दी पोछा कर लेती हूँ। और बच्चे अपना बीच बीच में उठ जा रहे हैं क्लास करके, क्योंकि जब मैं काम में बिजी हो जाती हूँ तो बच्चे अपना क्लास करके जो है अपना इधर उधर खेलने लगते हैं, जब तक मैं बैठती नहीं हूँ तब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, बैठना पड़ता है बच्चों के साथ। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पोछा कर रही हूँ, अभी मुझे नहाना है। और मैं नहा कर वापस आ गई तो बच्चों को भेजी नहाने के लिए कि जाओ पानी अभी गर्म हो रखा है, जाओ नहा लो। तो वहाँ पे इन लोग की मस्तियाँ चालू हो गई, मतलब हर जगह मस्ती करते रहते हैं, भूल जाते हैं कि मुझे ये काम करना है, खाना खाते समय भी मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। और बस मैं वापस आ गई हूँ नहा कर, और मैं अब कर लेती हूँ कंघी, उसके बाद करना है मुझे पूजा। तो सक्षम से आजकल मैं जो है थोड़ा बहुत पूजा करवाती हूँ, थोड़ा सा जो है अच्छी चीज़ बच्चों को सिखाना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, और जो सक्षम करता है वही लड्डू भी करता है। तो बस मैं यहाँ वापस आ गई थी जो है पूजा करने, सक्षम जो है कान्हा जी को नहला दिए थे, तो और देखिए सक्षम को देखी देखा लड्डू भी करता है, ये भी कभी कभी रोता है पूजा करने के लिए, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं मूर्तियाँ गिरा ना दें। लेकिन देखिए मैं जब पूजा कर रही थी तो ये भी आ गया था हाथ जोड़े नहा कर, तो ये भी नहा लिया है। और तो बस हम लोग नहा लिए हैं, क्योंकि 12:30 बज रहे थे, क्लास भी ख़त्म हो गया था बच्चों का, तो बस ये लोग जो है अब पढ़ चुके हैं, और मैं उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, इसके बाद इन लोग को ले जाऊंगी थोड़ा सा धूप दिखाने। तो यहाँ पे मैं मक्के की आटा गूंथ रही हूँ, तो सुबह इन लोग को जो है आटे, क्योंकि चाचा को भी सुबह जल्दी जाना होता है, इनको भी लंच ले जाना होता है, खाते तो है नहीं, तो इसलिए मैंने सिंपल रोटी बना दी। तो अभी हम और अपने बच्चों के लिए मैं यहाँ पर मक्के की रोटी बना रही हूँ, तो मैं इसको जो है गूंथ रही थी, लेकिन उसमें मैंने गेहूं का आटा भी डाल दिया है, क्योंकि गेहूं के आटे डालने से जो है तभी ये बेलते बनता है, और बहुत लोग तो हाथ से जो है पानी लगा लगा के बनाते हैं, लेकिन मुझे आता नहीं है,
मम्मी उम्मी बनाती थी, बुआ मम्मी सबको बनाना आता था, और चूल्हे की ये अगर बन जाए रोटी तो क्या बात है, चूल्हे के से ज़्यादा स्वादिष्ट होता है चूल्हे की रोटी जो होती है। लेकिन कहाँ यहाँ पे चूल्हा मिलेगा, तो यहाँ पे मैं गैस पे धीमी आँच पे सेकूँगी। और ये देखिए मेरे से हाथ से नहीं बन पा रहा था तो मैंने इसको बेला है, इसमें थोड़ा सा गेहूँ का आटा भी डाल दिया है। आ गए रहा मेरा जो है गर्मा गर्म मक्के की रोटी और सरसों का साग। आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म सब लोग मिलके खाते हैं। तो बस यहाँ इसमें मैं घी लगा दूंगी रोटियों में। तो यहाँ पर मेरी ये देखिए सरसों का साग और मक्के की रोटी बनकर रेडी हो गई है। इसके बाद पुदीने की चटनी रख लेती हूँ। तो बस मेरा खाना तैयार है, आ जाइए आप लोग भी। चल रही है तो इतना ज़्यादा धूप नहीं लग रहा है, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर जाती हूँ नीचे। अभी सारे काम पड़े हुए हैं, अभी सारे काम करूँगी। और ये देखिए मैंने छत कितने अच्छे से क्लीन किया है, इतना सारा बालू निकला है, इतना सारा बालू निकला है। ये देखिए मेरा लहसुन कितना अच्छा लग रहा है। ये जो है थर्माकोल का डिब्बा है, तो इसमें मैंने लहसुन लगा दिया था। और ये देखिए आलू, आलू तो सूख गए हैं। और ये रहा मेरा बड़ा वाला पेड़, चमेली मेरा सूख गया, दो चार पौधे मेरे सूख गए, पता नहीं क्यों लगा ही नहीं, मैंने बहुत कोशिश किया। और ये रहा मेरा मटका, इसमें लगा दूंगी कोई और पौधा। लड्डू अब दिख रहा है, होमवर्क कर रहे हो कि गेम खेल रहे हो, दिखाओ। हाँ चलो कर लो, भाई आ रहा है। तो गाइस जो है छत से आ गए हैं नीचे, और ऊपर से जब नीचे आए ना बहुत ठंडी लग रही है, क्योंकि हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और धूप भी लग रहा था अच्छा खासा। लेकिन अभी बज गए हैं 4, तो मैं नीचे आ गई क्योंकि धूप एकदम हल्का हल्का हो गया था। तो थोड़े बहुत जो बचे थे काम वो मैंने कर लिया, बर्तन धुलना था मैंने बर्तन धुल लिया, उसके बाद 2-4 कपड़े थे वो मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए। और इन लोग का जो है क्लास चला था तो होमवर्क ढेर सारा था, तो मैंने आज इन लोग को दिन भर बैठा के रखा कि दिन भर जो है तुम लोग पढ़ाई करोगे होमवर्क करोगे, क्योंकि 1 तारीख से जो है एग्जाम से जो है चालू है बच्चों के। और ये देखिए लड्डू पढ़ रहा है। लड्डू पढ़ रहा है, मैंने इसको लालच दिया है कि नीचे तभी भेजूंगी खेलने के लिए जब तुम पूरा अच्छे से सुना दोगे, तो अभी रीड कर रहा है। और तो सारे काम हो गए हैं, और अब मैं थोड़ा सा और रेस्ट करूंगी क्योंकि सारे काम हो गए हैं, बस रात के खाना बनाना रह गया है, तो मैं बस खाना बनाऊंगी। और ये देखिए सक्षम भी आज पूरा दिन किया है ना, पूरा हो गया होमवर्क, पूरा हो गया। अच्छा तो सक्षम के भी होमवर्क हो गए हैं, और अब इन लोग को करनी है तैयारी। सुना दिया? हाँ, अब जा रहा हूँ। लेकिन बैग में भर के रखना। हाँ, बैग भी तो बनाओ सब। हाँ, इरेजर भी रखो, इरेजर भी रखो। इरेजर सब जमा करके हाँ। तो बस थोड़ी देर बच्चे जाएंगे खेलने, और मैं थोड़ा सा देखूंगी टीवी। तो हो गए मेरे सारे काम। और हम दोनों साइकिल चलाएंगे। साइकिल चलाना है,
ठीक है, आराम से चलाना, जूता पहन के जाना, चप्पल पहन के नहीं जाना नीचे। अभी भाई जाएगा ना तब जाना। तो ये मैंने कंबल जो है धुल कर डाला था, मतलब मशीन में डाल दिया था, गंदे हो गए थे बहुत। ये जयपुरिया कंबल, तो ये मैंने धुल कर डाल दिया था ड्राई करके, तो अच्छे से सूख गया है। और ये बहुत गर्म करता है। ये जब मैं राजस्थान गई थी तब लेकर आई थी। ये देखिए फट भी गया है, तो इसकी लीड सारी निकल गई है। और ये जब मैं राजस्थान घूमने गई थी न्यू ईयर पे, तब मैं लेकर ये आई थी राजस्थान से। अब ये ख़राब हो गए हैं, लेकिन गर्म बहुत करता है ये कंबल। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो है, मेन चीज़ ना ये हल्का है, बहुत हल्का है, ओढ़ने में भी बहुत कंफर्टेबल रहता है। जयपुरिया रजाई इसको बोलते हैं। तो बस अब मैं आप लोगों से बोलती हूँ अलविदा, और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। और कैसा रहा मेरा वीडियो, अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना।